लास्ट वीडियो में हम लोगों ने सिंपल हार्मोनिक मोशन की बात की थी और सिंपल हार्मोनिक मोशन को हम लोगों ने स्प्रिंग के साथ कंपेयर किया था कि सिंपल हार्मोनिक मोशन सर्कुलर मोशन के साथ किस तरह कंपेयर है। आज भी इससे मजीद बात करते हैं कि ये जो वो मेरा पॉइंट है, पहले तो इस सर्कल को फोर क्वाड्रेंट में डिवाइड कर लेते हैं। ये हमने इसे फोर क्वाड्रेंट में डिवाइड कर लिया। अब मैं कहती हूँ कि वो हमारा पॉइंट सी है जो इन सर्कुलर पाथ रोटेशन शो कर रहा है और पी जो है हॉरिजॉन्टल के लाइन के साथ कुछ ना कुछ एंगल थीटा भी फॉर्म करता होगा और जिसमें कि किसी टाइम इंटरवल टी में इस पॉइंट सी पर है तो उसका प्रोजेक्शन जो है वो सामने वाली वर्टिकल लाइन एन पर होता है, जिस तरह की लास्ट वीडियो में बात की गई थी। और इसका ये जो डिस्टेंस है, जो डिस्प्लेसमेंट इसने ट्रैवल किया था, इसे हम लोगों ने एक्स कहा था। अब अगर ये बात की जाए कि इसकी वेलोसिटी फाइंड आउट करने की बात की जाए कि जो प्रोजेक्शन है इसकी वेलोसिटी क्या होती है, तो पहले तो हमें इस पॉइंट पी की वेलोसिटी फाइंड आउट करनी चाहिए। हमें मालूम है कि जब भी कोई चीज़ इन सर्कुलर पाथ रोटेट करे तो उस पॉइंट की जो वेलोसिटी होती है, इनिशियल वो जो वेलोसिटी होती है वो हमेशा टेंजेंट टू द सर्कल होते हैं, जिसे हम लोग टेंजेंशियल वेलोसिटी कहते हैं। अब इस वेलोसिटी के लिए अगर मैं आपको एक एनिमेशन दिखाऊं तो काफ़ी हद तक आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। इस एनिमेशन में आप ये देख सकते हैं कि ये हमारा वो ऑब्जेक्ट है जो इन्हें सर्कुलर पाथ रोटेट कर रहा है और ये जो एरो हेड बाहर जा रहा है रेड कलर का, ये उसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी को शो करता है जो हमेशा टेंजेंट टू द सर्कल रहती है। अब अगर मैं इस पॉइंट के एक्स प्रोजेक्शन की बात करूँ, जो एक्स लाइन से इसका प्रोजेक्शन बनता है हॉरिजॉन्टली लाइन, तो वो स्काई ब्लू कलर की लाइन से बनता है। और अगर वाई प्रोजेक्शन की बात की जाए तो वाई प्रोजेक्शन इस तरह से येलो कलर में बनता है वर्टिकल लाइन से। अगर मैं किसी एक टाइम इंटरवल में बात करूँ कि जब ये इस तरीके से कि कोई टाइम इंटरवल ऐसा आ जाए जिसमें हमारी टेंजेंशियल वेलोसिटी हमारे जो प्रोजेक्शन है वर्टिकल लाइन पे जो इसका प्रोजेक्शन ड्रॉ हुआ है उसे एक्सटेंड करने से उसके साथ एक पॉइंट पर कोइंसाइड कर जाए, यानी कि हमारा पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन कि हमारी ये जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है सम एंगल, ये जो प्रोजेक्शन का पॉइंट एक्सटेंड किया है उसके साथ सम एंगल के साथ आकर कोइंसाइड कर जाए, तो यहाँ पर कोई ना कोई एंगल फॉर्म होता है। अब अगर इस चीज़ को मैं अपनी वीडियो से दिखाना चाहूँ कि हम लोग यही कहना चाह रहे हैं कि अगर मैं पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन को एक्सटेंड करूँ इस तरीके से कि हम लोगों ने अपने पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन को एक्सटेंड कर दिया यहाँ तक, तो अब ये इस तरह से यहाँ पर एक ट्रायंगल सी बन जाएगी। अगर गौर किया जाए तो आप देखेंगे कि वी पी जो है, अगर इस चीज़ की रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर की अगर आपको टॉपिक याद हो तो आपको मालूम होगा कि अगर वी पी को इसके टू कंपोनेंट में रिजॉल्व करना हो तो जो वर्टिकल लाइन होती है उसे हम हमेशा वी पी साइन थीटा से इंडिकेट करते हैं और जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है इसे हम हमेशा वी पी कोस थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। वी पी चूँकि उस एंगल के लिए लिखते हैं, उस वेक्टर के लिए लिखते हैं जिसको रिजॉल्व किया जा रहा होता है इनटू टू कंपोनेंट्स। अब एक बात देखी जाए तो मैंने लास्ट वीडियो में बात की थी कि जो एंगल थीटा यहाँ पर फॉर्म हो रहा है सिमिलरली वही एंगल थीटा यहाँ पर फॉर्म होता है। अगर यहाँ पर कुछ बन रहा है एंगल तो इसका मतलब है कि जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है वो भी तो किसी ना किसी एंगल से ही इस पॉइंट पी के साथ लगी हुई है, क्योंकि यहाँ पर तो हॉरिजॉन्टल लाइन है। इसका मतलब है टेंजेंशियल वेलोसिटी भी कुछ ना कुछ एंगल तो बनाती है हमारे पॉइंट के साथ। अगर इस चीज़ को हम एंगल थीटा मार्क कर लें, ये अज्यूम कर लें कि यहाँ पर एक एंगल थीटा फॉर्म होता है और ये चीज़ जो है ये हमें मालूम है कि ये हमारे एंगल 90 को शो करती है, क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट के साथ हमेशा एंगल 90 बनता है। अगर मैं इस चीज़ को मज़ीद क्लैरिफाई करके यहाँ पर इस तरह से बनाना चाहूँ तो आपको आसानी से वाजा हो जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। ये हमारा वी पी कम्पोनेंट था जिसे हम लोग वी पी वैक्टर है जिसे टू कम्पोनेंट में रिजॉल्व किया है, ये उसका जो है वर्टिकल कम्पोनेंट है जिसे हम लोगों ने वी पी साइन थीटा बोला है और ये हॉरिजॉन्टल है जिसे हम लोगों ने कहा है कि ये वी पी कॉस थीटा है और यहाँ पर पॉइंट पी था जिसके साथ सम एंगल थीटा फॉर्म हो रहा है और ये हमारा एंगल 90 है। अब आप ये देखें कि हमेशा जब भी मैथमेटिक्स के रूल के मुताबिक एक ट्रायंगल में जितने भी एंगल्स बनते हैं उनका सम हमेशा 180 डिग्री के इक्वल होता है। अगर यहाँ पर कुछ ना कुछ एंगल थीटा फॉर्म हो रहा है और ये एक एंगल 90 है, तो मुझे अगर तीसरे एंगल के बारे में पता करना हो तो मुझे ये कहना चाहिए कि इन तीनों का सम, यहाँ पर जो एंगल फॉर्म होगा वो प्लस 90 प्लस थीटा, इनका जो सम है वो हमेशा 180 के इक्वल आएगा। तो यहाँ पर जो एंगल अब बनेगा उससे मुझे ये कहना चाहिए कि 90 डिग्री में से ये एंगल थीटा में अगर सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो ये वाला एंगल मुझे पता चल जाएगा कि इस साइड पे कौन सा एंगल बना है। तो अब मुझे यहाँ पर थीटा की जगह ये लिखना चाहिए था कि ये हमारा थीटा नहीं है बल्कि ये हमारे लिए यहाँ पर जो एंगल है वो 90 माइनस थीटा है, ये एंगल है साइन के साथ यहाँ पर। अब देखा जाए तो अगर मैं वेलोसिटी की बात करूँ
इस पॉइंट पी के लिए टेंजेंशियल वेलोसिटी, तो मैं कहना चाहती हूँ कि ये वाली वेलोसिटी मैं वो वाली वेलोसिटी लेना चाहती हूँ जो वर्टिकल कंपोनेंट के साथ है, यानी ये वेलोसिटी वी पी वेलोसिटी के बराबर है जो कि टेंजेंशियल वेलोसिटी है, और इसका वाई कंपोनेंट मैं प्रेफर करती हूँ वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए इस पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन के लिए। तो हमें मालूम है कि वी पी जो है वो वी पी साइन थीटा है क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट, लेकिन अब थीटा की जगह हम लोगों को 90 माइनस थीटा लगाना पड़ेगा, क्योंकि 90 माइनस थीटा लगाना पड़ेगा क्योंकि इस चीज़ का हम लोगों को नहीं मालूम कि यहाँ पर कौन सा थीटा बन रहा है, क्योंकि यहाँ पर तो एंगल का हमें मालूम है और यहाँ पर 90 डिग्री है ये भी हमें मालूम है। तीसरी साइड जो हमें नहीं मालूम उसे इन दोनों एंगल को सब्ट्रैक्ट करके हम आसानी से बता सकते हैं कि यहाँ पर ये वाला एंगल बन रहा है। अब आपको याद होगा कि ये सर्कुलर मोशन की जब भी बात की जाए तो सर्कुलर मोशन के लिए जो लीनियर या टेंजेंशियल वेलोसिटी होती है वी पी वो हमेशा आर इंटू एंगुलर वेलोसिटी होती है, यानी कि आर रेडियस। रेडियस इस केस में क्या है, रेडियस इस केस में ये है कि रेडियस हमेशा वो होता है जो सेंटर वाले पॉइंट को किसी भी सर्कल के एक पॉइंट से मिला दे, वो वाली लाइन जो है हमारे पास वो रेडियस ऑफ द सर्कल कहलाती है। इस सिचुएशन में ये पॉइंट सर्कल के इस पॉइंट से मिल रहा है तो इसका मतलब है रेडियस ऑफ द सर्कल ये होगा, ये वाला नहीं, क्योंकि ये कम्प्लीटली सर्कल के एंड से नहीं मिला बल्कि ये आगे भी एक्सटेंड हो गया, इसे तो हमने खुद एक्सटेंड किया और प्रोजेक्शन हमें इस पॉइंट तक मिला, तो इसलिए एक्स उसका रेडियस नहीं हो सकता सर्कल का, बल्कि इसका रेडियस ये हो सकता है कि जो इसे पॉइंट ओ से पी तक मिला है, इसे हम लोग कह देते हैं कि ये एक्स नोड है, जैसे कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में बात की थी। तो अगर आर की जगह अब मैं एक्स नोड लिख दूँ और ओमेगा ऐसे ही, तो हमारी वी पी जो है वो एक्स नोड ओमेगा आ जाती है। अगर ये वाला एक्सप्रेशन मैं इस इक्वेशन ए में पुट कर दूँ तो मेरे पास जो फाइनल इक्वेशन आती है वी के लिए वो आती है वी पी की जगह एक्स नोड ओमेगा और साइन एज इट इज़ और साइन के बाद 90 माइनस थीटा, यानी ये वाला हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाता है। अब आप इस बात पे गौर कीजिए कि मैथमेटिक्स में फर्स्ट ईयर की फर्स्ट बुक में, एफएससी की फर्स्ट बुक में मैथमेटिक्स में ये रूल है कि जब भी 90 डिग्री आ जाए तो जो साइन है वो कोस में तब्दील हो जाता है, और अगर साइन कोस में इंटरचेंज हो जाता है तो 90 माइनस थीटा चूँकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है, 90 में से कुछ भी एंगल आप सब्ट्रैक्ट करें वो एंगल हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लाया करता है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में हर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस की जो साइन है वो पॉजिटिव आते हैं, जिसकी वजह से अगर मैं यहाँ पे एक्स नोड लिखूँ ओमेगा एज इट इज ही और साइन है और एंगल 90 माइनस थीटा है, इसका मतलब है अब साइन की जगह यहाँ पर कोस आ जाएगा, 90 ने साइन को कोस में कन्वर्ट कर दिया और साथ जो एंगल है वो एज इट इज ही लग जाता है, और चूंकि साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है और कोस भी, इसलिए हम लोग पॉजिटिव का ही साइन लगाते हैं। अब हमारे पास जो वेलोसिटी है प्रोजेक्शन के लिए वो एक्स नोट ओमेगा कोस थीटा है। अब हमारे लिए मसला ये है कि पिछली वीडियो में हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करते हुए साइन थीटा की वैल्यू तो इस तरह के एक्सप्रेशन से निकाल ली थी, लेकिन अब कोस थीटा की वैल्यू किस तरह से निकालें। आपको याद होगा कि लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि जो साइन थीटा है अगर उसे निकालना हो इसी ट्राइंगल को हम लोग कंसिडर करते हैं कि यहाँ पर पॉइंट पी था, ये एंगल 90 ही बन रहा था और यहाँ पर ये हमारा पॉइंट ओ है और ये एन था, इस चीज़ को हमने प्रोजेक्शन का डिस्प्लेसमेंट एक्स बोला था, इस चीज़ को हम लोगों ने रेडियस ऑफ द सर्कल एक्स नॉट बोला था, और हमने बोला था कि जो साइन है साइन थीटा वो हमेशा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज होती है। इस सिचुएशन में ये हमारा परपेंडिकुलर है और ये हमारा हाइपोटेन्यूज है, तो हम लोगों ने इसकी जो वैल्यू निकाली थी लास्ट वीडियो में भी और अभी सिचुएशन में भी वो हमेशा एक्स डिवाइडेड बाय एक्स नॉट ही आती है, लेकिन हमारे लिए तो मसला कोस थीटा का फाइंड आउट करना है ना कि इस कोस थीटा को हम लोग किस तरीके से फाइंड आउट करें। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस में ही एक फार्मूला है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन, हमेशा ये वन के इक्वल होता है। अगर साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू तो हमें मालूम है, हमें तो फाइंड आउट करना है कोस स्क्वायर थीटा यानी कि कोस थीटा, और यहाँ पे वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा हम लोग कर सकते हैं, और कोस की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए अगर मैं इस पूरी की पूरी इक्वेशन का अंडरवुड ले लूँ तो वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा का अंडरवुड आ जाता है जो कि कोस थीटा के इक्वल है। अब अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू तो हमें मालूम है वो इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस में पुट करती हूँ, तो देखते हैं हमारे पास क्या सिचुएशन बनती है। वन एज इट इज ही और साइन स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू है साइन थीटा की हमारे पास एक्स डिवाइडेड बाई एक्स नॉट है और इसका स्क्वायर है, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा साइन थीटा की वैल्यू ये है, मगर यहाँ पर हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा है तो हम उसकी वैल्यू का स्केयर ले लेंगे। अब स्केयर लेने के बाद हमारे पास अगला स्टेप ये आता है कि जो कोस थीटा है वो हमारे पास इस तरह से आता है कि वन
माइनस एक्स का स्केयर डिवाइडेड बाय एक्स नोट का भी स्केयर आ जाता है। जैसे मज़ीद डिफाइन किया जाए तो ये इस तरह से आता है कि एक्स नोट का जो स्केयर है उसे वन से मल्टीप्लाई कर दें एलसीएम लेने के बाद, और यहाँ पर हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ जाता है। अब अगर मैं नीचे वाले इन दोनों को सेपरेटली लिखूँ तो मुझे बाहर नज़र आ रहा है कि ये वाला स्केयर इस स्केयर रूट को कैंसिल कर देगा, और हमारे जो सिंपल रिलेशनशिप आएगा कोस स्केयर के लिए वो इस तरह से आ जाएगा कि ये वन मतलब कि ये एक्स नोड का स्केयर माइनस एक्स आएगा और डिवाइडेड बाय हमारे पास एक्स नोड आ जाएगा, क्योंकि एक्स नोड स्केयर था और उसके स्केयर ने उसके अंडर रूट को कैंसिल कर दिया। तो ये हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन आ गया एक्स कोस थीटा के लिए। अब इस एक्सप्रेशन को मैं अपनी फाइनल वाली इक्वेशन में जो हम लोगों ने बनाई थी कि वी इज इक्वल टू एक्स नोड ओमेगा कोस थीटा के इक्वल है, तो अब कोस थीटा की वैल्यू यहाँ पर आसानी से पुट की जा सकती है। चलिए इसकी वैल्यू पुट करते हैं और लेट्स सी कि क्या आंसर आता है। वी इज इक्वल टू एक्स नोड ओमेगा और अंडर आगे कोस थीटा था जिसकी वैल्यू पुट करें यहाँ पर भी स्केयर आएगा, तो ये एक्स नोड का स्केयर माइनस एक्स स्केयर है और डिवाइडेड बाय एक्स नोड है। ये एक्सप्रेशन भी फाइनल है। इसको भी आप जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक वो वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए किसी भी प्रोजेक्शन की ना सर्कुलर पाथ लगा सकते हैं। अब देखा जाए तो इसे मज़ीद अगर सिंप्लीफाई करें तो ये एक्स नोड इस एक्स नोड से कैंसिल आउट हो जाता है, तो हमारे पास जो वी के लिए फाइनल एक्सप्रेशन आता है वो वी इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट एक्स नोड स्केयर माइनस एक्स स्केयर के आता है, इस तरह से एक्सप्रेशन आता है। तो इस तरह से आप इस एक्सप्रेशन से वेलोसिटी आसानी से फाइंड आउट करना चाहते हैं कर सकते हैं। अगर इसके अलावा आप इसको मज़ीद सिंप्लीफाई ना भी करते तो आप इस एक्सप्रेशन से बगैर एलसीएम लिए भी अपनी जो है वेलोसिटी उसे इजीली फाइंड आउट कर सकते थे कि हमारे पास जो एक्सप्रेशन था वो कुछ इस तरह से था कि जो वी है हमारा, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ कि वी इज इक्वल टू एक्स नोड ओमेगा था तो अंडर रूट वन माइनस एक्स एक्स का स्केयर एक्स स्केयर डिवाइडेड बाई एक्स नोड स्केयर। तो इस फाइनल एक्सप्रेशन से और इस एक्सप्रेशन से आप दोनों ही से वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी पॉइंट के लिए जो इन्हें सर्कुलर पाथ रोटेट कर रहा है उसकी प्रोजेक्शन की आप वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने उसी प्रोजेक्शन का डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट किया था, आज हमने उस जो प्रोजेक्शन है उस पॉइंट का उसकी वेलोसिटी फाइंड आउट की है। इसी तरह इसका एक्सेलरेशन मुख्य टर्मिनोलॉजी इस प्रोजेक्शन की जो है कैलकुलेट की जा सकती है। तो होप सो काफ़ी हद तक आपको क्लियर हो चुका होगा कि प्रोजेक्शन के लिए जब भी वेलोसिटी फाइंड आउट करनी हो तो हम उसे किस तरह से कर सकते हैं, और एनिमेशन से भी काफ़ी हद तक वाजह था कि इसकी वेलोसिटी किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं और इसके प्रोजेक्शन किस तरह से वर्टिकल एज वेल एज हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पे बनता है, ये भी आप आसानी से देख सकते हैं। तो यहाँ तक हम लोगों ने वेलोसिटी को फाइंड आउट करना सीख लिया है कि प्रोजेक्शन के लिए वेलोसिटी हम किस तरह से निकालते हैं।